पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में पैरोकार और कोर्ट मुहर्रों तथा पुलिस कर्मियों की बैठक की गई, जिसमें पैरोकार और कोर्ट मुहर्रर को स्टेशनरी बैग और पैड वितरित किया गया तथा अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को डीआईजी जे रविंद्र गौड़ के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि डीआईजी रेंज की अध्यक्षता में पैरोकार कोर्ट मुहर्रर की बैठक की गई, मॉनिटरिंग करके कार्य की समीक्षा, इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आया। इसमें इस वर्ष में 69 मुकदमों में सजा सुनाई गई है और लगभग 40 मुकदमे में उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी एक अपराधी को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि पैरोकार कोर्ट मुहर्रर वकील और न्यायपालिका के सहयोग से समाज में जो आपराधिक तत्व हैं उनको दंड मिल रहा है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जो कोर्ट मुहर्रर और पैरोकारों को आवश्यक स्टेशनरी बैग और पैड वितरित किया गया और अच्छे कार्य करने वाले 5 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह, SP क्राइम इंदु प्रभास सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, यही चीज आना चाहिए 69 और इसमें 40, ये बार यही कर देंगे ना, यही सर उनको सजा हो गया, लेकिन पब्लिक परसेप्शन डिफरेंट है, क्योंकि लगता है कि मेरे पास सजा के नाम पर कुछ नहीं और हमारा सजा के परसेप्शन से बेटर अच्छा, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बार बार देखने से ये होता है। एक छोटा सा अगर आप रुचि को देखते हो ना, उसका भी एक अलग जैसे पैरोकारों की ये जो मीटिंग है, इसमें अध्यक्षता के लिए आज हमारे DIG महोदय ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सर यहाँ, क्योंकि सर यहाँ से पहले कई बड़े जिलों के SSP के तौर पर कार्य किए हैं और मिर्जापुर रेंज के बाद सर यहाँ पर एज DIG बड़े चैलेंजेस क्राइम के नेतृत्व में सर ये हमने शुरू किया था एक मुहिम, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन का जो हमारा कार्य है उसको मजबूत करने के लिए, अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए और पूरी प्रोसिक्यूशन टीम को एक टीम भावना के तहत मिलजुल कर एक अभियान लेकर 100 दिवस में 100 सजाएं करवाने का हमारा टारगेट लेकर हमने ये अभियान शुरू किया सर, और जिसमें सर बड़ा हर्ष का विषय है, कई फीडबैक हमको उपलब्ध करवाते हैं, हमने इनको रजिस्टर्स भी कई बनाकर दिए हैं सर, जिनको कि ये अभी तक समस्या आ रही थी कि रजिस्टर्स इनको उपलब्ध नहीं थे, स्टेशनरी इनको उपलब्ध नहीं थी, ये अपने पास से जहाँ तहाँ से इसकी व्यवस्था करते थे तो ये हमने उपलब्ध करवाई है। साथ ही सर हमने आज एक बैग वितरण का कार्यक्रम भी रखा है, जो कि हमने बैग तैयार करवाए हैं सभी पैरोकारों के लिए और कोर्ट मोहल्ले के लिए, इनको जो रजिस्टर दिए हैं सर, ताकि सर कहीं बैग अगर मिसप्लेस हो जाए या कहीं आए जाए कोर्ट में पड़ा रहे तो लोगों को पता रहे सर कि ये पैरोकार है। तो हम चाह रहे हैं सर कि जिस तरीके से हमारे प्रत्येक टीम मेंबर की आइडेंटिटी होती है, हमारे पैरोकार की भी एक आइडेंटिटी बने, हमारे कोर्ट मोहरे की भी आइडेंटिटी बने और ये अपने आप को एक टीम का एक्टिव मेंबर मानकर एक्टिव पुलिसिंग में योगदान दें, क्योंकि अभी तक ये पूरा व्यवस्था हमने किया है और उद्देश्य यह है कि जो SP साहिबान हैं इनके नेतृत्व में हमारी जो टीम है अच्छे रिजल्ट डिलीवर करे और जो कुख्यात अपराधी हैं उनके खिलाफ जेल के बाहर सूचना मिले अपराधी का, ऐसा कार्यवाही कोर्ट ने जारी किया है, समन जारी किया है, वारंट जारी किया है ताकि रियल टाइम इसमें एक्शन हो। तो इसी के क्रम में सर मैं किसी जनपद में हर प्रकार के कार्रवाइयाँ हो बहुत कम बार ऐसे देखने को मिलता है, कभी कभी हम लोग सोशल पुलिसिंग करने लगते हैं तो एक जनपद में वही चलता रहता है कि सेवा कार्यक्रमों का बड़ा चलता है, क्राइम पे काम हो रहा है तो लगातार क्राइम पे काम हो रहा है, या कोई एनकाउंटर हो रहा है तो लगातार उसी पे ध्यान दिया जाता है, बाकी चीज़ें हो रही है, समाज के तमाम सेवा कार्यक्रमों में भी व्यस्त है, चाहे आप वो परिवार परामर्श केंद्र का नाम ले लीजिए और तमाम चीज़ें चल रही, क्राइम प्रिवेंशन में अच्छा काम हो रहा है, जैसे SSP साहब ने कहा BPO से लेकर BSI थाना से और
सीओस एडिशनल एसपी सब मिलके क्राइम प्रिवेंशन में जो अग्रेसिवनेस दिखाना चाहिए, अपराधियों को पीछे पड़ना, अपराधी को अपने घर पे रुकने नहीं देना, उसको चैन से सोने नहीं देना, ये कार्यक्रम भी लगातार चल रहा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो हमेशा कहीं ना कहीं ये छूट जाता है, वो पैरवी का। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, अभी आपके मॉनिटरिंग सेल प्रभारी और एसपी साहब ने कहा 69 कन्विक्शन भी नहीं है, अभी तो हम लोग पूरे 100 दिन में 100, अब मैं भी हम लोग 69 पे। अगर आप हमारा अभियान अगर आप लोगों का ऐसे चला जाए 31 दिसंबर तक आप लोग कई चीजें करा, लेकिन आजीवन कारावास से आपने डरता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गया। 20 साल की सजा से डरता है, 10 साल की सजा से डरता है, 7 साल में भी डरता है, मनोबल गिर जाता है अपराधी। भले अंदर बहुत खा पी के वो बहुत बड़ा ऐसे तंदुरुस्ती का दिखावा दिखाता है पब्लिक के लिए, लेकिन वो अगर अंदर से उसको झांक के देखिए, जिस दिन उसको सजा हो जाता है उसी दिन उसका मनोबल 50% गिर जाता है। अगर आजीवन जिस दिन हो गया तो उस आदमी को उम्मीद खत्म हो जाता है कि बाहर आके कुछ करे। बाहर आ करते हुए इन्होंने आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपए के दंड से दंडित करवाया था। ये परोकार में एक बैठक है, 4 अभियुक्त है जिनको आजीवन कारावास और 25,000 रुपए की जो माने के लिए दंडित किया गया है। महिला मंत्री पूजा देवी, आज पुलिस लाइन में आदरणीय डीआईजी रेंज गोरखपुर महोदय के अध्यक्षता में पैरोकारों और कोर्ट मुहर्रिर की मीटिंग की गई, मॉनिटरिंग सेल के कार्य की समीक्षा की गई है, जिसमें कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और आज ही हमारे यहां पर 69वां मुकदमा है जिसमें सजा सुनाई गई है इस वर्ष में, और लगभग 40 ऐसे मुकदमे अभी तक हुए हैं जिसमें उम्र कैद की सजा हुई है। आज भी एक मुकदमे में उम्र कैद की सजा हुई है अपराधियों को, और जो हमारे पैरोकार, कोर्ट मुहर्रिर, हमारे प्रोसिक्यूशन की टीम, वकीलों की और हमारे आदरणीय न्यायपालिका, इन सब के मिले जुले प्रयासों से समाज में जो आपराधिक तत्व हैं उनको दंड मिल रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल रहा है, और न्याय का ये चक्र आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, इसी के लिए आज मीटिंग की गई थी। गोष्ठी में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ और हमारे आदरणीय डीआईजी महोदय ने हमें मार्गदर्शन दिया, कुछ आवश्यक बिंदु उनकी तरफ से बताए गए सुधार हेतु, जिन पर हम सुधार करेंगे और आगे इसमें और भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें हमारे कोर्ट मुहर्रिर और पैरोकारों को आवश्यक स्टेशनरी की जो सामग्री है वो भी वितरित की गई, और हमारे 5 ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए गए आदरणीय डीआईजी महोदय के द्वारा।